शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखा, कम से कम संजना ने ये तो माना कि सौम्य उसके घर में रहा, और इस बात की तो आप भी गवाह रही हैं। अब देखिए, मैं सौम्य और संजना के संबंधों को अदालत में कैसे उछालता हूं। कम से कम हमारे पास कहने के लिए ये तो है कि उन दोनों के आपस में नाजायज संबंध थे। अब हमारी जीत निश्चित है। लेकिन संजना का ये मतलब नहीं था। देखिए, किस बात का क्या मतलब निकालकर हमें अपने हक में इस्तेमाल करना है, ये देखना मेरा काम है। लेकिन ये तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। कानूनी तावपेच और थोड़ा सा मौके का फायदा, इसे ही होशियारी और समझदारी कहते हैं। और वैसे भी बजाज केस जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए नहीं। आदि भैया, ये तो इशारा परी को लेकर अंदर जाओ। परी को अंदर भेजने से क्या होगा? अब बात मेरी समझ में आई कि मुझे बहाने से परी के साथ क्यों नहीं जाने दिया गया। आर्यन, मैं तुम लोगों से नहीं पूछूंगी कि तुम लोगों ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई, क्योंकि जिस बात की तुम लोग कोशिश कर रहे हो सकता है तुम्हारे हिसाब से वो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना ही विश्वास है कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। सिर्फ सच्चाई के वकील साहब, चाहे इंसान कितनी भी झूठी कहानियां गढ़ ले, लेकिन मेरा विश्वास पक्का है, मेरी परी के साथ राम जी हैं। राम जी उसकी रक्षा करेंगे। और आर्यन, एक बात याद रखना बेटा, भगवान के दरबार में हमेशा फैसला सच के हक में होता है, सिर्फ सच के हक में। चल परी। Perfect. बस कमी है तो सिर्फ वो लाल बॉल की और कोन वाली टोपी। फिर कोई कह नहीं सकता कि तुम हमारी खुशी हो या सर्कस से कोई जोकर आ गया। अरे तुम नाराज मत हुआ करो। I'm sorry. बेड पे खड़ा हो जाता हूँ, हाथ ऊपर कर लेता हूँ, फिर मैं भी तुम्हारी तरह जोकर लगूंगा। तुम नाराज मत हुआ करो। छोड़ो मुझे। जब तुम नाराज होती ना तो मेरे दिल के छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं और ऐसे बिखर जाते हैं ऐसे। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। हाँ? सरप्राइज दो। आंखें बंद करो। दो ना। आंखें बंद करो ना। खोलना मत। क्लोज योर आईज। हाँ
बंद है रोहित, दिखाओ तो क्या लाए। मैं दिखाऊं तुम्हें? Close your eyes. दो? हाँ या या। क्या कर रहे हो रोहित? दो ना। You're looking nice. Perfect. You are looking so fine. रोहित, I hate you. रोहित, ये क्या किया तुमने? चेंज करके आता। क्या हो गया है रोहित को? इस गांव को देखकर उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। बंद करो और अपना हाथ आगे करो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। चलो करो। क्या? अरे कुछ सरप्राइज है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सिंदूर की डिब्बी, तुम हर सुबह आईने में मुझे देखकर इसी सिंदूर से अपनी मांग भरा करते थे। Thank you.
फंस गया था और तुमने कहा था लगता है तुम मुझे जाने देना ही नहीं चाहते, बार बार बांध लेते हैं। पर ये तुम्हें कुछ याद है? कुछ भी? कैसे हो तुम? तुम लोग बैठो, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। ओके, आप प्लीज वापस आइएगा। बहुत पसंद था और स्पेशली यहाँ का खाना, इसीलिए आज हमने चुना कि हम लोग यहीं आएंगे। अदिति, एक्चुअली एक बात मेरे मन में कब से खटक रही है, मेरे दिल में एक बात है, मुझे तुमसे कहनी है। प्लीज डोंट माइंड। ओके, मैंने प्लीज पूछो क्या माँ। तो मैं जानना चाहता था कि आप लोग के घर में और परी की जिंदगी में ये सौम्य पराशर का आना जाना कब तक होगा? I'm sorry, मैंने तुमसे सवाल पूछा, दिल में था। नहीं नहीं नहीं, it's perfectly fine. बस अभी और 5 दिन, 15 दिन तो बीत चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि और 5 दिनों में सौम्य परी को कुछ याद दिलवा पाएगा। सॉरी मैंने तुमसे ये बात पूछी ना। एक्चुअली हे मानव, वन सेक। या श्योर श्योर। नितिन, हाय। आदित्य, हाय। कैसा है? बढ़िया बढ़िया। माफी चाहता हूँ, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया। इस बात के लिए तेरे को कभी माफ नहीं करूंगा भाई मेरे। आप जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। By the way, my wife, Ishana. नमस्ते भाभी जी। हेलो, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। वैसे माफी मांग चुके हैं।
अरे भाई नई नई शादी हुई है, पीवी कहाँ है आपकी? यही है, आओ मिलवाता हूँ, चलिए। जी जी जरूर। आप मानव एक मिनट। या या टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। हैप्पी मैरिड लाइफ मैन। डील इज कंफर्म। ऑफ कोर्स मिस्टर पराशर। जल्दी साइन करने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर रेडी करता हूँ, तो फिर तो मीठा हो जाए। नहीं मिस्टर शर्मा, आई एम गेटिंग लेट, मैं निकलूंगा। ओके तो फिर मैं आपको रखूंगा नहीं। टेक केयर, टेक केयर। इतने बड़े बिजनेसमैन सौम्य पराशर ने एक ऐसी औरत से शादी किया जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर भी नहीं चल सकती। अगर एक मोटी को मोटी कहा जाए, अगर एक अंधे को अंधा कहा जाए, तो अगर मैंने तुम्हारी बीवी को लंगड़ी कहा तो क्या फर्क? इत्तफाक, कोइंसिडेंस। बैठो बैठो, कम कम, इट्स ओके, आओ। मैं दो मिनट में वापस आऊंगा। वुड यू लाइक टू हैव समथिंग मैम? तो सौम्य पराशर, कैसे हैं आप? समय समय भी कैसे अजीब अजीब खेल खेलता है। एक समय था कि परी तुम्हारी थी, लेकिन आज ऐसा समय है कि तुम्हारी परी मेरे साथ है। कैसा लग रहा है? जो बात मायने रखती वो ये है कि परी का दिल किसके दिल के करीब है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि परी मेरे दिल में है और मैं परी के दिल में बसता हूं और वो मेरे। नहीं सौम्य पराशर, नहीं, शायद आप भूल रहे हैं कि बेचारी परी के दिल और दिमाग में पहले की कोई चीज नहीं है। ब्रेन वॉश, वो अपनी याददाश्त खो चुकी हैं, शायद आप भूल रहे हैं। परी बेचारी नहीं है मानव, उसे सब कुछ याद आ जाएगा, सारी भूली बातें सब कुछ याद आ जाएगी। जो 40 दिन मुझे मिले, उन 40 दिनों में मैं परी को सब कुछ याद दिला दूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास है, अपने प्यार पर विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम जी खुद जानते हैं
कि परी की खुशी किस में है. So, you take care of yourself, okay? मैं भी देखता हूं मिस्टर सौम्य पराशर कि परी और तुम्हारे दिल का सिलसिला कब तक चलता है. बहुत ही जल्द मैं परी को तुम्हारे दिल से दूर कर दूंगा.